दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका इन दिनों कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार किसी तरह कर्ज की सीमा को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एक हफ्ते में ऐसा नहीं होता है तो सरकार और कर्ज नहीं ले पाएगी और कई बिलों का भुगतान नहीं कर सकेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाउस स्पीकर केविन से लंबी बातचीत की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका पर भारतीय रुपयों में 2,584 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये कर्ज अमेरिका की जीडीपी का 124% है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि यदि अमेरिका अपनी पूरी अर्थव्यवस्था बेच भी देता है तो सारा कर्ज नहीं चुका पाएगा। देश के बिलों का भुगतान जारी रखने के लिए उधार सीमा को 1 जून तक बढ़ाना जरूरी है, जो इस समय 31,000 अरब अमेरिकी डॉलर है। सरकार इनकम टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और अन्य संसाधनों से रेवेन्यू जुटाती है। ये इसकी कमाई का जरिया है। इसी तरह सैलरी, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी व अन्य कई चीजों पर खर्च करती है। अमेरिका के इस स्थिति में पड़ने का कारण है कमाई से ज्यादा खर्च। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने साल 2021 में 334 लाख करोड़ रुपए कमाए तो 564 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस अतिरिक्त रकम की भरपाई ब्रांड बेच कर मिल रहे पैसों से होती है। अमेरिका अपने आर्थिक शक्ति का अलाप गाकर दुनिया भर से कर्ज बटोरता है। साल 1917 में अमेरिका ने एक कानून बनाया था जिसमें कर्ज लेने की एक सीमा तय की गई थी। इसमें अब तक 78 बार बदलाव किया जा चुका है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, इसके लिए सिर्फ संसद से अनुमति लेनी होती है। फिलहाल कर्ज लेने की सीमा 31.4 लाख करोड़ डॉलर है। लेकिन एक बार फिर अमेरिकी सरकार की देनदारी कमाई से ज्यादा हो गई है, साथ ही ये देनदारी कर्ज की सीमा को भी पार कर गई है। अब अगर बाइडेन सरकार ने संसद से डेट सीलिंग नहीं बढ़वा पाई तो वो डिफॉल्टर हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान के हालात पर नजर डालें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में जो आंकड़े जारी किए थे उसके अनुसार देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने भी इस साल की शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। उन्होंने कहा था कि अभी केवल 10 अरब डॉलर का ही जुगाड़ हो पाया है। पाकिस्तान किसी तरह अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए IMF से कर्ज लेने की जुगत में लगा है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार गिरावट आ रही है।